कैसे हो आप सब? हैप्पी दिवाली सभी को। आज मैं गेहूं के आटे से मठरी बनाने जा रही हूँ दिवाली के अवसर पर। इसके लिए मैं एक एक कटोरा आटा ली हूँ। देखिए, एक कटोरा हमारा 250 होगा। ये आटा है, गेहूं का आटे है, और इसमें हम एक छोटी सी कटोरी से सूजी मिलाने जा रहे हैं, जिसे हम लोग रावा भी कहते हैं। ये दोनों को मिला दे रहे हैं। मिलाने के बाद इसको हम इसमें आपका कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं टेस्ट के लिए, जो इससे अच्छा टेस्ट आएगा। पूरे तरह से मठरी में तो होना चाहिए थोड़ा। ये इसे हम लोग मंगरेला बोलते हैं, और बहुत जगह कलौंजी भी बोला जाता है। इसे भी मैं मिला रही हूँ। थोड़ा नमक टेस्ट के लिए 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, छोटा चम्मच है, इसे नमक डाल रही हूँ। ये सब मिलाने के बाद इसमें मैं घी मिलाऊंगी। ये सूखा मिला लेते हैं। इसे मिलाने के बाद इसमें हम अब ये घी डालने जा रहे हैं। घी डालेंगे, देखिए 2-3 चम्मच डालना है, क्योंकि खस्ता बनेगा मठरी, नहीं तो मुलायम हो जाएगा। 4 चम्मच डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लेना, सूखे में एकदम अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए, कहीं भी सूखा आटा ना रह जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाना है सब में। सभी तरफ घी जाना चाहिए, तभी तो मठरी हमारा अच्छा निकल के आएगा, नहीं तो सब चिपका चिपका बन जाएगा। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाना है, तभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिलाएंगे। पहले हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए, सूखा हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डाल डाल के मिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा, एक ही मरते पानी पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते जाना है। इसे हमें रोटी के जैसा उतना गीला भी नहीं बनाना है, और अधिक टाइट भी नहीं बनाना है, पर थोड़ा अच्छी तरह से मिला करके डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिलाते जाना है। थोड़ा मिला लेते हैं। देखिए, अभी पूरा नहीं मिलाए हैं, क्योंकि ये थोड़ा और पानी चाहिए इसमें, थोड़ा थोड़ा सूखा है। चारों ओर से मिलाना है ना। इसमें सूजी भी है डाला हुआ ना, इसके लिए थोड़ा सा थोड़ा सॉफ्ट भी बनाना है। हल्का सा पानी, क्योंकि सूजी तो थोड़ा पानी पीता है। अब नहीं डालेंगे, इतना में हमको मिला लेना है पूरा अच्छी तरह से। थोड़ा इसको मिला लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। देखिए, हमारा डो तैयार हो गया। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं, रेस्ट के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। इसे हम ढक के रख देते हैं। हमारा जो ये आटा मिला के रखे थे मटरी मटरी बनाने के लिए, वो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके लिए मैं, देखिए, दूसरा, इसको बेलने से पहले मैं इसको एक बॉल ली हूँ, और इसमें आपका 2 चम्मच आटा ले रही हूँ। कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ आटा ले रही हूँ। और इसमें आपका घी डालना है। ये देखिए, इसमें 2 चम्मच छोटे चम्मच से आटा डाल चुके हैं, और इसमें हम ये जो है बड़ा चम्मच है, इसलिए 1 चम्मच डालेंगे इसमें घी।
और ये इसके लिए आपका जो है इसको पूरा मिला लेना अच्छी तरह से। देखिए एकदम गीला होना चाहिए। अगर थोड़ा सा कम पड़ता हो तो इसमें थोड़ा और भी आप घी डाल दीजिए, लेकिन ये तो बन चुका है अच्छी तरह से। देखिए ये हमारा बेटर बन चुका है, ये कंप्लीट हो चुका। अब मैं इस ये आटा को थोड़ा छोटा छोटा लोइया बना कर रख देते हैं पहले, जितना बड़ा बड़ा बनाना। देखिए हम इतना इतना छोटा छोटा गोला बना रहे हैं पहले। देखिए हमारा 250 आटा में कितना गोला बनता है, उतना ही मठरी बन के निकलेगा। देखिए हमारा गोला बन के रेडी हो गया, हमारा 9 गोला बना है। अब इसे मैं बेलने जा रही हूँ रोटी की तरह, एकदम गोल गोल बिल्कुल कि इस तरह से आटा डाल करके चुकला में। इसे भी आटा लगा लीजिए और इसे लगा के बेलते हैं, और बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है, एकदम पतला। चारों ओर से गोल होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 मिलाकर के 1 मठरी बनेगा। इस वजह से आपको चारों ओर एक पहला रोटी जैसे बनेगा वो 2 और बनाना है। देखिए एक बना के रख लिए, दूसरा भी हमारा बेल कर रख लेते हैं। जितना बड़ा वो रोटी बना है उतना बड़ा इसको भी बनाना है, गोल पूरा गोल बनाना। पर मेरे से पूरा गोल बनता नहीं है फिर भी एकदम गोल बना रहे हैं। देखिए दूसरा भी हमारा बन चुका, अब तीसरा। तीसरा है, इसे भी उतना ही बड़ा बनाना है। हो गया, देखिए अब बन चुका 3 रोटी। अब इसमें हम जो ये बैटर बनाए हैं गीला वो हमको चारों ओर लगाना है। हाथ से भी लगा सकते हैं, चम्मच से भी, जैसे आपको सुविधा हो। हमें तो हाथ से ही लगाने में अच्छा लगता है, इसलिए देखिए ये लगाने के बाद थोड़ा आटा इसमें डाल दीजिए। उसके बाद ये रोटी जो बनाए हैं वो डाल दे रहे हैं इसमें, फिर इसी बैटर को लगाना है। ये जो मिक्स है इसको पूरे अच्छी तरह से चारों ओर लगना चाहिए। इसमें भी लगा दिए, लग चुका। अब इसमें फिर सूखा आटा डालना है। सूखा आटा डालना है और ये तीसरी रोटी डाल चुके हैं। इसमें भी आपका लगा लेते हैं, हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए सूखा आटा डालने के बाद थोड़ा ये हो गया हमारा। अब इसे फोल्ड करना है पूरा गोल राउंड। देखिए अच्छी तरह से हो,
उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए, चिपकना चाहिए जरूर। अब इसे बन चुका, खुलता हो तो इसे अच्छी तरह से ऐसे चिपका दें और इसे मैं चाकू से इसे काट देती हूँ। अब हमारा ये देखिए बन चुका है गोल पूरा अच्छी तरह से। इसे मैं काटूँगी, थोड़ा साइड वाला पहले काट के निकाल दूँ। अब देखिए गोल हो गया पूरा, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना है, ये छोटा छोटा काटना है। पहले काट के सब निकाल लेते हैं क्योंकि इसे भी एक बार और बेलना होगा। खुल गया थोड़ा सा, अच्छी तरह से खुलना नहीं चाहिए, अधिक मोटा भी नहीं काटना है। सब इस तरह से काट लेते हैं और अब इसे देखिए इसे गोल गोल कर देना है, इसे गोल गोल करना है और इस तरह से चिपटा कर देना है इस तरह से। फिर इसे आटा लगा के छोटे छोटे पूड़ी की तरह बेल देना है कि इस तरह से बेल करके छोटे छोटे पूड़ी की जैसा बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखिए इस तरह से मैं सब बेल के रख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हमारा पूरा बेल चुके हैं, मटरी पूरा बेल के रख लिए हैं, कढ़ाई भी चढ़ा चुके हैं, तेल देखते हैं गर्म हुआ है कि नहीं, एक छोटा सा डाल के देखते हैं। हाँ गर्म तो हो चुका है, एकदम स्लो फ्लेम में है और ये अधिक गर्म भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा ऊपर में और नीचे है पूरा कच्चा रह जाएगा, इसलिए छोटा सा डाल के देख रहे थे तेल गर्म हो चुका है कि नहीं। और इसमें हम है सो सरसों तेल डाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर सरसों तेल से ही खाते हैं। इसे देख लेते हैं निकाल के, हाँ पूरा तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसे मगनी को दे रहे हैं। इसका देखिए अब हमारा मटरी जो बेल के रखे थे ये डाल रहे हैं, जितना इसमें बनेगा उतना ही डालेंगे क्योंकि हमारा कढ़ाई छोटा है, तीन पीस डाल रहे हैं एकदम स्लो फ्लेम में क्योंकि धीमे धीमे अधिक आँच में तो लगे जल्दी पलटना नहीं, जब एक और पक जाए तभी पलटें। देखिए हमारा पक रहा है, अब थोड़ा सा इसको हम पलटेंगे, एकदम खस्ता बनना चाहिए। ब्राउन कलर का होगा तभी निकालेंगे, तभी खस्ता बनेगा। अभी है पूरा धीरे धीरे धीमे आंच में ही पकाना है। देखिए हमारा बन रहा है, इसे दोनों ओर पलट पलट के पकाते रहें ताकि एकदम अच्छा से बने। अब थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाते हैं, ये दोनों ओर एकदम ब्राउन कलर हो गया, देखने में भी दिख रहा है कि हाँ ये हमारा खस्ता बन चुका है। अब इसे हम निकाल ले रहे हैं, इसी तरह दूसरा टिप भी डालेंगे। देखिए हमारा ये निकाल चुके हैं, फिर डालते हैं। इसे भी पकने दे रहे हैं, देखिए ये भी हमारा तैयार हो चुका है, इसे भी हम निकाल ले रहे हैं। इस देखिए पूरा खस्ता बन चुका है। इस प्रकार हम सब निकाल लेते हैं जितना हमारा है,
निकाल लेते हैं इसी तरह। इस तरह सभी बना लेते हैं, इसके बाद आपको मिलते हैं फिर सर्व करते समय। ये देखिए हमारा लास्ट बार भी कंप्लीट हो गया, अब सब बन चुका है और इसे भी अब हम निकाल रहे हैं। थोड़ा गैस ऑफ करने जा रहे हैं, हमारा गैस ऑफ कर देते हैं और ये हमारा रेडी हो गया। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं सर्व करते हैं। थोड़ा ठंडा गर रहे हैं, देखिए कितना खस्ता बना है। देखिए हमारा मठरी पूरा तैयार हो गया और हम सर्व कर चुके हैं ट्रे में। चाय है, चाय के साथ में मठरी खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसे बना करके आप स्टोर भी कर सकते हैं, कहीं जा रहे हैं वो समय में खाने में अच्छा लगेगा, स्टोर करके ले जाइए। दूसरी बात है शाम का समय में चाय के साथ में लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मठरी हमारा एकदम खस्ता बना हुआ, देखिए एकदम चूर हो जा रहा है हाथ में, इसलिए आप बना के देखिए, खा के देखिए, अच्छा लगे तो मेरे श्रीसु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।